अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मेरी ये वीडियो जो है वो पार्ट 3 सीक्वल है विज़िट टू फिनलैंड हेलसिंकी फ्रॉम स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से हमने ट्रैवल किया, मैंने आपके साथ जो उसकी जर्नी थी सी वाली सी शिप तक पहुंचने की वो आप लोग के साथ शेयर की। उसके बाद शिप का जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि किस तरह का है, अंदर कैबिन किस तरह का मिलता है, बाहर का एनवायरनमेंट और शाम और रात और एवरी जो भी खूबसूरत सीन थे सी के, वो मैंने सब आप लोग के साथ पार्ट नंबर 2 में शेयर किए। और इस पार्ट में हम हेलसिंकी पहुँच चुके हैं और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी यहाँ पर जो प्लेसेस हमने विज़िट की उन प्लेसेस के हवाले से। अच्छा, जब शिप रुकी और हम यहाँ पर रुके तो मुझे कुछ ख़ास आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, एज ए टूरिस्ट और फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट किया था, और कहाँ कैसे किधर से बस पकड़नी है, कैसे ट्रेन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी है कि आप जैसे उतरते हो यहाँ पर बस सर्विस अवेलेबल है, आप उस बस सर्विस को अवेल कर सकते हो और वो आपको एक मैप देंगे हेलसिंकी का और बताएंगे कि किस तरह से हम किन किन मेन स्पॉट्स पर रुकेंगे और आप हम स्टे करेंगे, आप उनको देख सकते हो, आप उनको विज़िट कर सकते हो। और ये एक दिन का जो है वो टूर था, तो मैंने सोचा कि इसको अवेल करना चाहिए बजाय ये कि आप ख़ुद सर्च करो मारे मारे फिरो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हमने जो है इस ऑप्शन को चूज़ किया और यहाँ पर बस में बैठ गया। अच्छा, ये जो बस है उसके ऊपर पहले तो छत थी लेकिन बाद में, अच्छा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देख लें कि ये हमारा पहला स्पॉट है, ये एक कैथेड्रल चर्च है इनकी पुरानी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जो जो प्लेसेस हमने विज़िट की यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ और उनके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है या हमें बताया गया वो मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, आप इन सीन्स को इन्जॉय करें, आप इन प्लेसेस को इन्जॉय करें और आप सब टाइटल्स देख कर जो है ना वो उसको बता सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा अंदर जाके डिटेल्ड विज़िट नहीं किया, बाहर बाहर से विज़िट किया, थोड़ा थोड़ा विज़िट किया क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था जो बस ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की उस हवाले से। और आप बस वीडियो को देखें, इंजॉय करें और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और पिछले सीक्वल्स भी वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर कोई स्ट्राइक चल रही है
और एक जुलूस की फॉर्म में लोग आ रहे हैं और पता नहीं किस बात पे स्ट्राइक है, आई डोंट नो, क्योंकि ये अपनी ज़ुबान में एहतजाज कर रहे हैं और उनकी ज़ुबान की मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं है। हाँ ये है कि लोग जा रहे हैं, बहुत पुरअमन है, आगे भी पुलिस है जो इनको सिक्योरिटी दे रही है, पीछे भी पुलिस है जो इनको सिक्योरिटी दे रही है। जो वैसे गाड़ियाँ चल रही थी वो कुछ देर के लिए रुक गई हैं और लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं जो देखने वाले हैं, और जो एहतजाज करने वाले हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे इनका लीडर है और पता नहीं किस बात पे इन सब लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए। ये साथ में इनकी अपनी लोकल मीडिया कवरेज है, वो उनकी मीडिया कवरेज होगी, ये पता नहीं इनको चाहिए क्या। ये ख़त्म हो जाने के बाद पीछे फिर सिक्योरिटी है या इनकी पुलिस है जो इनको कवर कर रही है।
We can come back in 10 minutes. Oh, yeah, you have time. The next bus is, what time is it?